सीकर जिले की दांता रामगढ़ विधानसभा से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र सिंह की पत्नी रीटा सिंह ने सोमवार को जननायक जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला की उपस्थिति में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। जेजेपी ज्वाइन करने के बाद रीटा सिंह ने कहा कि वो दांता रामगढ़ से चुनाव लड़ना चाहती है। दरअसल पिछले विधानसभा चुनावों में भी रीटा सिंह ने कांग्रेस से टिकट मांगा था, लेकिन कांग्रेस ने उनके पति वीरेंद्र सिंह को टिकट दिया। रीटा कांग्रेस की टिकट पर सीकर जिला प्रमुख भी रह चुकी हैं। रीटा और उनके पति के बीच लंबे समय से अनबन चल रही है। रीटा फिलहाल अपने पति वीरेंद्र सिंह से अलग रह रही है। इस बार वो अपने पति वीरेंद्र सिंह के सामने चुनाव लड़ेंगी। जेजेपी ने रीटा सिंह को पार्टी ज्वाइन कराने के साथ ही पार्टी की महिला विंग का अध्यक्ष भी बना दिया है। फिलहाल दांता रामगढ़ से नारायण सिंह के बेटे वीरेंद्र सिंह विधायक हैं, लेकिन अब उनकी पत्नी रीटा सिंह ने जेजेपी की टिकट पर दांता रामगढ़ से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी है। अगर ऐसा होता है तो राजस्थान की राजनीति में संभवतः पहली बार पति पत्नी किसी सीट पर आमने सामने होंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।